गाइस, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट्सअप की ऑल सेटिंग्स के बारे में। उसमें जितनी सेटिंग्स थी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो अगर आप चाहे तो बाद में देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट्सअप का जो स्टेटस रहता है व्हाट्सअप का, वो आपको क्या क्या सेटिंग उसमें मिलती है, आप किस तरह से उसमें इमेज अपलोड कर सकते हैं और फिर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और किस तरह वो वीडियो का दूसरा दूसरा फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह आप डिफरेंट टेक्स्ट, डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको। और आपको एक बोनस ट्रिक बताऊंगा जिससे स्टेटस का जो वीडियो आप उसको टैप करके पॉज करते हैं, आप बिना आप उंगली हटा भी दे तो वो पॉज रहेगा, किस तरह वो आपको पूरा बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको अपने मोबाइल पर पूरा अच्छी तरह करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, तो वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो हाय गाइस, माय नेम इज शाही एंड यू आर वाचिंग टेकी शाही। तो सबसे पहली बात कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डायरेक्ट किस तरह रखें, वो व्हाट्सएप में आप जाकर डायरेक्ट रख सकते हैं। वो किस तरह, आपको सिंपली व्हाट्सएप को खोलना है और यहाँ पर जो माय स्टेटस दिख रहा है उसमें अगर आपको कोई भी स्टेटस नहीं होगा तो वहाँ पर एक प्लस कलर का आइकन आएगा, उस पर आप टैप करें तो आपको फाइल चूज करने के लिए बोलेगा और डायरेक्टली आप उसको अपलोड कर सकते हैं और अपने स्टेटस पर रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो गैलरी से डायरेक्ट किस तरह रख सकते हैं वो आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप फॉर एग्जांपल आप गैलरी ओपन करें और यहाँ पर तीन फोटो देखने के लिए मिल रही, फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पर जो सेंड का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम टैप करेंगे, फिर यहाँ व्हाट्सएप आया और यहाँ पर हम स्टेटस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे उसके बाद, और यहाँ पर ऐड कैप्शन, अगर आपको कुछ लिखना है इस इमेज के बारे में या फिर कुछ इमोजी वगैरह लगाना है तो ये लगा सकते हैं आप। उसके अलावा आपको जो ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, उसमें जो पहला ऑप्शन है वो क्रॉप करने का। अगर आप इमेज अपनी सिर्फ इतना रखना चाहते हैं तो इतना रख सकते हैं, फुल रखना चाहते हो फुल रख सकते हैं, और अगर आप क्रॉप करके कुछ इमेज कट करना चाहते हैं तो वो करके आप यहाँ नीचे राइट पर यहाँ डन कर सकते हैं, लेकिन मुझको ऐसा कुछ नहीं करना, फुल इमेज रहने देंगे, फिर मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आप बाजू में इमोजी देख सकते हैं, अगर आप वीडियो डाल रहे हैं तो भी आपको ये सब ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप इमेज वगैरह डालें तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो इमोजीज का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, उस पर आप टाइप करें तो आपको बहुत सारे डिफरेंट आइकन देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हार्ट का आइकन लूँ, अगर किसी का मुझको चेहरा छुपाना है अपने स्टेटस में तो ये हार्ट का आइकन लेकर हम इसको पिंच आउट पिंच इन करके हम जूम इन जूम आउट करके इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। मैं ऐसे जूम आउट करूं तो ये बड़ा होगा, जूम इन करूं तो ये छोटा होगा, तो आप जहां चाहे इसको रख सकते हैं। अगर किसी का बर्थडे वगैरह है तो ये केक वगैरह वहां पर लाकर आप रख सकते हैं, मुझको ये नहीं चाहिए तो यहां पर हम ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे तो यहां पर डिलीट का आपको बॉक्स दिख रहा है, वो क्या बिन दिख रहा है, वहां पर हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो मैं आपको टी करके जो दिख रहा है यहां पर, वो टेक्स्ट का है, यहां पर टैप किए हम कुछ भी टेक्स्ट अपने इमेज पर लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो कलर दिख रहा है वो कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं, तो मुझको ये भी नहीं चाहिए। अभी हम बैक जाएंगे और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो अंडू, कोई चीज़ हम किए तो उसको अंडू करने के लिए, तो यहाँ पर मैं टैप किया और ये टेक्स्ट पूरा चला गया। उसके बाजू में ये कुछ दिख रहा है जो आपको, ये पेंसिल का आइकन, उससे आप जो भी कलर चूज़ करें, फॉर एग्जांपल मैंने भी रेड कलर चूज़ किया, और कलर चूज़ करने के बाद आप इस पर डायरेक्टली कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी चला सकते हैं। इसको भी हम हटाते हैं तो ये सारे ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। फिर सब आपका अगर हो गया पूरा स्टेटस वीडियो पर, या फिर स्टेटस पर कुछ लिख लिए, कुछ आइकन ऐड कर दिए, या इमेज को आप रिसाइज करके क्रॉप करके कट करके रख दिए, उसके बाद आप यहाँ पर एक ग्रीन जो आइकन दिख रहा है सेंड करने का, उस पर टैप करें और आपका व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह आपको वीडियो भी अपलोड करना है, लेकिन आजकल हम MX Player ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमको डायरेक्टली MX Player से अगर वीडियो भेजना है स्टेटस पे तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना MX Player ओपन करूँ, ये MX Player ओपन रहा है, ये ओपन होने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत से हमको फोल्डर मिलते हैं, तो फर्स्ट कैमरे पे मैं टैप करता हूँ, और कैमरे पे टैप करने के बाद यहाँ 5 सेकंड की मुझको जो वीडियो दिख रही है उसको हम टैप करके रखेंगे ताकि ये ऑप्शन आ जाए, ये तीनों ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ 3 डॉट पर हम टैप करेंगे, और यहाँ पर शेयर का आपको सिंपली ऑप्शन 3rd नंबर पर देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ आपको दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप दिख रहा है, उस पर टैप करें, और यहाँ पर माय स्टेटस सिंपली टैप करके आप ओके आगे जाएं, और यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, आप उसमें आइकन ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपको तीनों मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली MX Player से भी डायरेक्टली जाकर अपने स्टेटस पर वीडियो वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर जो नीचे ग्रीन दिख रहा है राइट में कॉर्नर में नीचे, वहाँ पर आप टैप करें तो आपका स्टेटस अपलोड हो जाएगा। फिर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप जब स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हैं अपने स्टेटस पर, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेंड पर गया, शेयर पर स्टेटस रखने गया, यहाँ व्हाट्सअप के गया, यहाँ स्टेटस पर गया,
यहाँ आगे किया, तो आपको यहाँ पर गौर से देखें तो जो वीडियो का ये जो सेक्शन है उसके नीचे आपको राइट में ये 1.3 MB का जो साइज़ दिख रहा है, उसके बाजू में एक वीडियो का आइकन दिख रहा है जो अभी सेलेक्टेड है ग्रीन कलर का, उसके बाजू में आपको GIF गिव करके ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम टैप किए तो ये सेलेक्टेड हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो 1.3 MB से 288 KB हो गई, मतलब बहुत ही स्मॉल ये वीडियो हो गया। ये गिव क्या होता है, ये वीडियो ही की तरह होता है लेकिन इतना हाई क्वालिटी का नहीं रहता, और इसमें जो आपका वीडियो का साउंड है वो नहीं रहता है। तो अगर आप कोई लार्ज वीडियो अपने स्टेटस पर रख रहे हैं लेकिन आपको वो वीडियो बहुत ज़्यादा MB की है तो आप उसको GIF में कन्वर्ट करके रख सकते हैं, लेकिन आपको साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगी, साउंड आपका बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर GIF टैप किए तो वो सेलेक्टेड हो जाएगा ग्रीन, और अगर आप सेंड पे टैप किए तो उस तरह का आपको वीडियो स्टेटस पर सेंड होगा, वरना ये डिफ़ॉल्ट और ये पहले से ये वीडियो पर सेलेक्ट रहता है यहाँ पर, तो उसी पर ये सेलेक्ट रहेगा, आप इसको भी भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम WhatsApp पर कुछ लिखते हैं अपने स्टेटस पर, कुछ टेक्स्ट जाकर लिखते हैं वो किस तरह करना है, उसके पूरे फीचर्स आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर माय स्टेटस खोला, यहाँ माय स्टेटस यहाँ ओपन हुआ मेरा, यहाँ पर आपको राइट यहाँ कैमरे में जो कॉर्नर में बॉटम में कैमरा दिखने के लिए मिल रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकन मिल रहा है, इस पर आप अगर आप टैप करें तो आपको कुछ भी लिखने का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता है हाय हाउ आर यू, ये मैं अपने स्टेटस पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी देते हैं, ये मैंने अपने स्टेटस पर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पहला जो यहाँ पर लेफ्ट नीचे कॉर्नर दिख रहा है पहला, वो है आइकन का इमोजीज का ऑप्शन, यहाँ पर आप इमोजी पे टैप करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया, ये हो गया। उसके बाजू में आपको जो टी करके दिख रहा है वो टेक्स्ट आपका फॉन्ट जो है उसके स्टाइल के बारे में है, तो अगर हाय हाउ आर यू ये एक अलग ही ये डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट है वो है व्हाट्सअप का। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर टी पर टैप करूँ तो आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट चेंज हो गया, इसका स्टाइल जो है वो राइटिंग का वो चेंज हो गया। दोबारा टैप करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा फॉन्ट आ गया, दोबारा ये दूसरा बोल्ड वाला फॉन्ट आ गया, ये फिर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आ गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको बोल्ड ऑप्शन देखने के लिए मिले, इसको कैसे मोटा करना टेक्स्ट को या फिर कैसे टेढ़ा करके इटालिसाइज करना है या फिर स्ट्राइक थ्रू मतलब टेक्स्ट पर कट होकर कैसे आना है, वो पूरा आप कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है व्हाट्सअप मैसेजेस टिप्स एंड ट्रिक्स करके, आपको आई बटन पर यहाँ पर मिल रहा होगा वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर बाजू में जो आपको ये पेंट करके जो ऑप्शन मिल रहा है वो बैकग्राउंड के कलर चेंज करने का है। फॉर एग्जांपल अभी ये पिंक है, मैंने टैप किया ये ग्रीन हो गया, और बहुत सारे आपको कलर्स यहाँ मिलते हैं, ये ब्लू ये ग्रीन दोबारा। और यहाँ पर एक ट्रिक क्या है आपको बताने की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्रीन कलर है और हम आगे टैप किए तो ये येलो थोड़ा दूसरा कलर हो गया, ये फिर बैगनी कलर हो गया, ये दूसरा कलर, ये येलो आ गया। उसके बाद जो कलर आ रहा है वो है ये ग्रीन, लेकिन हम चाहते हैं हमको आगे का नहीं बल्कि जो पीछे का कलर जो येलो गया है वो हमको चाहिए, तो हमको अगर वो चाहिए तो हमको बार बार टैप करके एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन एक ट्रिक क्या है इसके लिए, आप अगर उस कलर पैनल को दबा के रखें तो ये देखें वापस वो बैक हो गया कलर, ये आगे नहीं जाएगा ये बैक में जाएगा। अगर हम सिंपली टैप करें तो आगे जाएगा यहाँ पर ये कलर, फिर यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर ये, लेकिन हमको इससे पहले वाला कलर चाहिए तो उसको दबा के रखें तो यहाँ देखिए आप ये वापस आ गया। तो इस तरह ये टेक्स्ट का भी आपको बताना था, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब एक मेन बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी स्टेटस का अगर वीडियो वगैरह देख रहे हैं, इमेज वगैरह देख रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हमको टैप कर करके वो देखना रहता है, उसके बाद वो चला जाता है, ऐसा रहता है। और अगर हम किसी वीडियो को पॉज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ही दूसरे व्हाट्सअप का स्टेटस ओपन करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा व्हाट्सअप का दूसरे स्टेटस है, तो यहाँ पर ये हम अगर छोड़ दें तो यहाँ पर ये चल रहा है वीडियो, अगर इसको दबा के रखें तो ये वीडियो पॉज हो गया, और बैक करें तो यहाँ पर एक दूसरा देखने को मिल रही है इमेज है, ये अगर हम टैप करके रखें तो ये पॉज रहेगा, मैंने टैप करके रखा है, अगर इसको छोड़ दे तो ऊपर आप देख रहे हैं चलते रहेगा। लेकिन आपको एक ट्रिक ये बताता हूँ कि अगर आप इसको पॉज करना ही चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी दोनों उंगली से पिंच आउट पिंच इन कर सकते हैं, मतलब अगर आप दोनों उंगली को ऐसे करके अगर इसको ऐसे करके रखें तो ये पॉज हो जाएगा, या फिर उंगली को ऐसे करें पिंच करें तो भी ये पॉज हो जाएगा, लेकिन आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो चल रहा है, मैंने ये पिंच इन किया, ये चला गया, दोबारा इसको देखते हैं, ये वीडियो चल रहा है दोनों उंगली से मैंने कर रहा हूँ यहाँ पर, ये फिर ये रुक गया। आप देख सकते हैं आपको थोड़ा अगर बार बार गए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इसको डबल टैप करें तो ये चलने लगेगा, फिर हम इसको पॉज करना चाहते हैं तो ये रुक गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, फिर डबल टैप करो तो चलने लगेगा,
फिर ये रुक गया। इस तरह आप करके वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर अपनी उंगली हटा सकते हैं, वीडियो पॉज ही रहेगा। ये ट्रिक आपको बताने थे, ये इमेज में भी होगा और टेक्स्ट में भी होगा। आप सिर्फ एक ही वक्त में दोनों उंगली को या तो पिंच इन करें या पिंच आउट करके इस तरह करें या इस तरह करें, एक ही वक्त में करना है। सिंपली अगर वो परफेक्ट हो जाएगा तो ये वीडियो पॉज हो जाएगा, इमेज या फिर टेक्स्ट भी पॉज हो जाएगा। फिर लास्ट जो व्हाट्सअप के स्टेटस की आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो ये है कि व्हाट्सअप का आप स्टेटस वो खुद से दूसरों को किस तरह भेजें। हम पर्सनली क्या करते हैं कि अगर किसी ने हमारा स्टेटस देखा, वो बोलता है कि मुझको ये स्टेटस सेंड करो, तो हम गैलरी में जाते हैं या फिर वीडियो में या एक्सप्लेन में जाते हैं, उसको ढूंढते हैं, फिर उस स्टेटस को भेजते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, दूसरे टिप क्या है उसके लिए, हम अपने स्टेटस को ओपन करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरा माय स्टेटस करके आपको दिख रहा है, यहाँ पर टाइप करें। और ये अगर किसी ने इस वीडियो को मुझको भेजने बोला तो हम जाकर गैलरी में अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट सिंपली यहाँ पर स्वाइप अप करें। इस तरह स्वाइप अप करने के बाद आपको यहाँ पर एक डिलीट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर अगर इस पर टैप करो तो हमारा स्टेटस डिलीट हो जाएगा। और फिर राइट टैप करो तो यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस पर टैप करो तो हम जिसको चाहे, फॉर एग्जाम्पल जिसको चाहे भेज सकते हैं। यहाँ मैंने अपने आप को सर्च किया और यहाँ पर सेंड किया तो ये स्टेटस चले जाएगा। ये सिर्फ वीडियो में वर्क और इमेज में वर्क नहीं करता बल्कि ये टेक्स्ट में भी वर्क करता है। मैंने पहले से लिख के रखा, आपको बताता हूँ। जैसे ये हाई करके ये टेक्स्ट है, मैं किसी को भेजना चाहता हूँ, तो आप इस पर स्वाइप अप करें और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आइकन दिख रहा है, आप जिसको चाहे भेज सकते हैं। लेकिन ये कब काम आएगा, टेक्स्ट का कब काम आएगा, जब ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा। क्योंकि अगर आप सिंपली इसको भेजें तो आपको वहाँ पर व्हाट्सअप की तरफ से डिफ़ॉल्ट करके आपको कब भेजा गया, किससे भेजा गया, कुछ ऑप्शन रहते हैं। तो अगर ये बहुत बड़ा मैसेज है और आप किसी को भेजना चाहते हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए रहेगा। ये इमेज में भी वर्क करता है और वीडियो और टेक्स्ट में भी वर्क करता है। और ऑब्वियसली आपको ये मालूम रहना चाहिए कि अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस डिलीट करना चाहते हैं तो एक एक करके आप डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको तीन डॉट दिखाई दे रहा है माय स्टेटस के बाजू में, यहाँ पर आप टैप करें और यहाँ पर एक को सेलेक्ट किए, फिर दूसरे को सेलेक्ट किए, तीसरे को सेलेक्ट किए और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर वीडियो को हम हटाए डीसेलेक्ट करें तो यहाँ पर जो टेक्स्ट था हमारा, दोनों टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, इसको आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को और किसी को भेज सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर किसी को भेज सकते हैं, इस तरह का भी आप कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में बताने के लिए। हम व्हाट्सअप स्टेटस बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं लेकिन हमको ये पूरे फीचर्स मालूम रहे तो हम अच्छी तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने व्हाट्सअप मैसेजेस के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाया है। और उसके अलावा व्हाट्सअप के स्टेटस किसी वीडियो को हम किस तरह या फिर किसी इमेज को हम किस तरह बिना एप्लीकेशन के डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किसी को हम बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझको वो स्टेटस भेज दे, हम बिना एप्लीकेशन के किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और फिर व्हाट्सअप की जो पूरी सेटिंग्स है उसको मैंने एक वीडियो में कवर किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर आपको उस बीच बीच में लिंक मिला होगा, आप उस पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके और उनके लिए फ़ायदा हो सके। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।